दोस्तों, लेट्स टॉक के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे इंसान से मिली जिन्होंने एजुकेशन फील्ड और बिजनेस फील्ड दोनों में एक नया ट्रेंड सेट करा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रवीण अग्रवाल जी की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी हाँ, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गुरुओं के पास। आज मैं बात कर रही हूँ कृष्ण इंटरनेशनल के डायरेक्टर सर मिस्टर प्रवीण अग्रवाल और उनकी वाइफ का। सर, मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। कुछ सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगी अगर इजाजत हो। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी पढ़ाई का क्या प्रोसेस रहा? मेरा बर्थ प्लेस वैसे तो बाराबंकी है, ईस्टर्न यूपी। मेरे फादर सर्विस में थे तो मेरा बर्थ वहीं हुआ था। और उसके बाद में मेरी सारी एजुकेशन जो हुई है, स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज तक की, वो सब अलीगढ़ में हुई है। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह करके मैंने सारी एजुकेशन यहाँ की है, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रांसफर्स होते थे तो कहीं ना कहीं एकेडमिक डिस्टर्ब हुआ करता था। तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहा बचपन से और मैंने सारी स्कूलिंग जो भी किया वो अलीगढ़ में किया। जी, तो अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो प्रवीण सर सबसे ज्यादा क्लोज किसके रहे हैं, मामा के या पापा के? ऑफ कोर्स मामा के केयर में ज्यादा क्लोज रहा हूँ। नॉर्मली बॉयज मम्मा के ज्यादा क्लोज होते हैं ऐसा मैंने सुना है और मैं खुद भी महसूस करता हूँ। जी जी, तो अगर मैं बात करूँ आइडल्स की तो प्रवीण सर ने अपनी लाइफ में आदर्श किसे माना हुआ है? अगर मैं फैमिली लाइफ को देखूं तो मेरे आइडियल मेरे पेरेंट्स हैं। और वैसे आइडियल कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पेरेंट्स, कभी कभी बच्चे भी आइडियल होते हैं। कभी कभी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो वो आइडियल होते हैं। अगर मैं सिंपलिसिटी की बात करूं तो अब से 8 साल पहले अलीगढ़ में SSP हुआ करते थे मिस्टर असीम अरुण, है ना। अगर सिंपलिसिटी में देखूं तो ही इज माय आइडियल। मैंने उनको इतनी अच्छी पोस्ट पे देखने के बाद में भी मैंने महसूस किया कि कभी मतलब उनका, उनके वाइफ का या उनकी फैमिली का जो बच्चों के अंदर जो सिंपलिसिटी थी, जो मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ मतलब डिस्कशंस, सारा कुछ मेरे लिए एक आइडियल के रूप में काम किया उन्होंने। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर और मैम के साथ मेरी बातचीत जारी रहेगी एक और ब्रेक के बाद। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का फिर से ब्रेक के बाद, और सर और मैम आप दोनों का भी। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आप लोगों से ये है कि अगर टर्निंग पॉइंट की मैं बात करूं, आपका इतना बड़ा नाम है अलीगढ़ में, टर्निंग पॉइंट्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, तो आपके टर्निंग पॉइंट कौन से हैं? प्रगति, मैंने अपनी बिजनेस लाइफ स्टार्ट की, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर सर्विस में थे तो उस वजह से मुझे फैमिली बैकग्राउंड में एक बिजनेस एटमोसफियर नहीं मिला। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था अपना, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस से छोटे से स्टार्ट किया था। उसके बाद में मैंने पहला टर्निंग पॉइंट मेरा 93 में था, जब मैंने अपने आप को एक पैकेजिंग के नए व्यवसाय में जोड़ा था। जी। पैकेजिंग का बिजनेस मैंने स्टार्ट करने के बाद में शायद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ओके। और वो पहला मेरा टर्निंग पॉइंट था, मैंने उसको बहुत अच्छे से रन किया और आज अलीगढ़ में पैकेजिंग की हिस्ट्री को मैंने चेंज किया। आज हम बाहर पैकेजिंग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ब्रास हार्डवेयर के लिए या और भी बहुत सारी चीज़ों की पैकेजिंग के लिए, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से हम लोग एक अच्छा नाम हमने अनंत कॉर्पोरेटर्स के नाम से बनाया हुआ शहर के अंदर। सेकेंड टर्निंग पॉइंट हमारा आया 2006 में, जब 2006 में मेरी बेटी नंदिनी वहाँ मसूर इंटरनेशनल में पढ़ती थी, तो एक दिन उसके एनुअल फंक्शन में हम लोग बैठे थे। वहाँ का जो मसूर इंटरनेशनल स्कूल का जो एटमोसफियर था, जो वहाँ का डिसिप्लिन था, जो वहाँ के स्टाफ का डेडिकेशन था स्कूल के प्रति, वो देख करके एक मन बना कि हम अगर उस एटमॉस्फेयर को अलीगढ़ में अवेलेबल कराएं तो शायद एक एक अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। देन 2006 में ही हमने वहां से आने के बाद में विदिन 1 मंथ हमने इसको प्लानिंग को तैयार किया। तैयार करने के बाद में हमने स्कूल की फाउंडेशन रखी। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा कि रिटायर्ड इंजीनियर और रिटायरमेंट के बाद में वो फ्री थे, उन्होंने इस स्कूल को बहुत छोटे समय में, 8 महीने के कम समय में ये पूरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये सारी तैयार करी। उसके बाद में 2007 से हमने इस स्कूल को स्टार्ट किया और वो मेरा सेकेंड टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा,
मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, तो अब मैं ये मान के चलता हूँ आज इस स्कूल में मेरे पास 1750 स्टूडेंट हैं, वो सारे मेरे बच्चे हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि वो एक ऐसे मुकाम पे पहुँचें, उनके अंदर एक फैमिली जो मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए वो हमने कोशिश की कि वो उनके अंदर शुरू से मैनेज रहे, मेंटेन है। वही चीज़ों को लेते हुए हम हर फील्ड में बच्चों को आगे लाने की कोशिश करते हैं, चाहे जो बच्चों के अंदर हेजिटेशन है वो निकलने की कोशिश है, वो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं कोकुलर एक्टिविटीज में बच्चे आगे से बढ़ के पार्टिसिपेट करें। और वही आज स्कूल की जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं काफ़ी अच्छी पोजिशंस में पहुँच चुके हैं। मेरे सामने प्रगति बैठी हुई है, प्रगति भी आप से बेहतर मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जान सकता इस स्कूल को। और भी बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारे बच्चे मेडिकल में सिलेक्शन हो चुके हैं, काफ़ी सारे बच्चे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जब उन बच्चों को मैं देखता हूँ तो एक अपने आप में ही लगता है कि शायद हमारा जो स्टेप था वो बहुत अच्छा था। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैंने बहुत ज़्यादा फाइट करके अपनी बिजनेस लाइफ स्टार्ट की थी ना, और उसके बाद में जब मैंने उसको सक्सेस किया, तो मेरा एक ही टाइटल है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर आप मन में सोच रहे हैं ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ भी आपके सामने मौजूद है ना, वो कहीं ना कहीं से तो बन के आई है ना, तो इम्पॉसिबल शब्द कोई भी नहीं है। और अगर आप अपने मन में ये सोच रहे हैं कि कोई भी काम करना इम्पॉसिबल नहीं है, तो शायद किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जब हम ये सोच लेते हैं ना कि कहीं किसी भी काम को करने से पहले अगर हम ये सोच लेते हैं कि पता नहीं हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो जब हमारे मन में ये चीज आती है ना, देन वी लूज आर 50% एनर्जी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सभी को और समाज के सभी लोगों को एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि कभी भी ये सोच के ना चले कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि वो हमारे पहले प्रयास में ना सफल हो पाए, दूसरे प्रयास में हम अपने आप को सफल करें, कभी कभी दूसरे में भी सफलता नहीं मिलती, हम तीसरे प्रयास में उसे सफल करें, लेकिन असफलता अगर हमें महसूस होती है तो इसका मतलब ये कि हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं, हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। उसको अगर हम दोबारा प्रयास करें, एक नए तरीके से प्रयास करें, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में करने के लिए। जी, अगर मैं मैम से पूछूं सर के बारे में कुछ सीक्रेट्स, तो मैम जरूर बताएंगी, आई नो। अगर मैं सर की बात करूं, सर फूडी कितने हैं, सर को खाने में क्या क्या पसंद है, प्लीज बताइए। सर फूडी तो बहुत ज्यादा है, बहुत चूजी है। हर चीज बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, बहुत सेलेक्टेड चीजें पसंद करते हैं जी। और जो भी चीज चाहिए बहुत अच्छी टेस्टी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने बना के दे दी खा लिया आराम से। तो कौन सा ऐसा वो होगा, चाइनीज फूड, इंडियन फूड या राजस्थानी, या क्या ऐसा सर को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज टेस्ट सब चीज कर लेते हैं जी, लेकिन पसंद में तो अपना इंडियन फूड ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, और उसमें भी चॉइसेस बहुत है। ओके, अगर मैं बात करूं सर के पहनावे की और सर के पूरे स्टाइल की, तो क्या वो आप डिजाइन करती है या सर डिजाइन करते हैं? डिजाइन तो सर ही करते हैं, लेकिन मैं बीच में थोड़ी थोड़ी एडवाइस दे देती हूँ। सर बड़े टच मिनट बन के रहना पसंद करते हैं। ओके, और हमेशा अपने आप को टिप टॉप रखते हैं। सर की क्या क्वालिटीज थी जब सर से आप मिली फर्स्ट टाइम, जो आपको एकदम पसंद आ गई, हाँ दिस इज द मैन ऑफ माय लाइफ, जब आपने डिसाइड कर लिया? जब मैं फर्स्ट टाइम देखा था, स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा थी एकदम से, अपने आप बिल्कुल को ये नहीं कि किसी भी तरीके से कहा जाए कि जी कुछ भी मतलब कमी है या कुछ फेक है, ही इज ओरिजिनल, ही इज नॉट ओरिजिनल। मैम के हाथ का ऐसा कौन सा डिश है जो तो आप मतलब रह नहीं सकते उस डिश के बिना, वो चाहिए? अगर मैं कहूं तो शायद कोई भी डिश ऐसी नहीं है जो मैडम ना बना सके, ये ना बना पाती हूँ, लेकिन हाँ स्पेशली आलू के पराठे या आलू की कचौड़ी लोगों को बहुत पसंद है, मुझे तो है ही, लेकिन मेरे यहाँ जितने भी मेरे गेस्ट या मेरे फ्रेंड सर्कल या जितने भी लोग हैं, उन सबको ये दोनों चीजें स्पेशली बहुत पसंद है। ओके, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमें कितना मजा आ रहा है सर और मैम के साथ, लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद फिर से हाजिर होंगे आप सभी के साथ। वेलकम यू ऑल आफ्टर द ब्रेक, और मैं सर से बात कंटिन्यू करती हूँ अपनी। सर अगर मैं बात करूँ मेमोरीज की, ऐसी कौन सी प्यारी मेमोरी है जो हमेशा आपके दिमाग में रहेगी, जो आप कभी नहीं भूलेंगे टिल द एंड? प्रगति, वैसे तो देखा जाए तो लाइफ में हर दिन एक नई मेमोरी होती है, क्योंकि कोई भी दिन वापस लौट के नहीं आता, वो मेमोरी ही बन जाता है। लेकिन हाँ, अगर मैं मेमोरीज की बात करूँ तो सबसे पहले जब मैंने इस स्कूल को स्टार्ट किया था, छोटे छोटे बच्चे जब मेरे पास आते थे, जब नर्सरी क्लास के प्ले ग्रुप के या केजी क्लास के जो छोटे बच्चे होते थे ना, तो उन लोगों के साथ बिताया हुआ जो समय, और वो बच्चे धीरे धीरे मेरे सामने ग्रोन अप हो रहे हैं, वो आज सेवंथ में, एट्थ क्लास में आ चुके हैं,
लेकिन वो अभी वो छोटे बच्चे हैं, तो एक सबसे अच्छी मेमोरी तो वो वक्त है। इसके बाद में और उससे पहले की मेमोरीज में मेरे दोनों बच्चे, चाहे मेरे बेटे अनंत का बर्थ हुआ या नंदनी का बर्थ हुआ बिटिया का, तो ये सब मेमोरीज ही हैं। और मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ बच्चों के लिए है। अगर मैं कोशिश मेरी रहती है कि मैं बच्चों को अच्छी से अच्छी एकेडमिक दे पाऊँ या अच्छे से अच्छा सब कुछ दे पाऊँ, और वो मैंने देने की कोशिश की और दिया भी मैंने। बेटे मेरे अनंत ने अभी बिफोर लास्ट ईयर लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। नाउ ही इज इन्वॉल्व इन माई फैमिली बिजनेस। एंड मेरी बेटी नंदिनी, उसने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद में वो एक लोकल आइट ही मेरे एक मतलब मैरिज हुई, और मेरे सन इन लॉ हैं वो यहाँ ब्रास हार्डवेयर एक्सपोर्टर हैं उनके साथ। उसके उसके बाद में एक सेकेंड मेमोरी जो थी, जब मैं सबसे पहले जब मैं दादा बना है ना, मेरी बिटिया की छोटी सी बिटिया हुई थी, तो वो मेरी मेमोरी मतलब सबसे लेटेस्ट और सबसे जो अगर अच्छी मेमोरी है तो मेरी वो है। तो बेटियों की अगर बात हो रही है तो आपकी बेटी भी यहाँ पे मौजूद है, मिस नंदिनी जी, तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी हम सबके बीच। वेलकम मैम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सर के साथ मेमोरीज बताइए अपनी, जो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल हो, जो आप कभी नहीं भूलने वाली, सर की क्वालिटीज, टेल मी एवरीथिंग प्लीज। Since beginning, he has, you know, groomed me in the best way possible. आज तक जितना अच्छा हो सका, he has provided me with the best of everything, जितना एक parent, you know, the highest of limit they can go for, अपने बच्चों के comfort के लिए. Even after my wedding, you know, his first and foremost condition was कि मेरी बेटी मेरे साथ ही रहनी चाहिए. She should be nearby, जब मेरा मन करे मैं उससे मिल लूँ. So before my baby, even I used to visit him each month, sometimes twice a month, and after my baby was born, he was like, "Tum aaya now, just send your baby to me, you know, every day. I want to meet her at least, you know, once or twice a week." So. Okay. And he's taking care of me, my baby, and my husband, my brother, my mother, more importantly, in all the best ways he can. Sir, अगर मैं बात करूँ youth को message देने की, तो आजकल के हिसाब से parents को भी, youth को भी, हर किसी को, हर generation को, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अगर मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को डाउन टू अर्थ रखें, उनकी हेल्प करें, उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, लेकिन उनके लिए एक अपर लिमिट जरूर बना के रखें। क्योंकि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज के बाद में बच्चे उन फैसिलिटीज के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो विदाउट उन फैसिलिटीज के नहीं रह सकते। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि उन्हें जो समाज है उस समाज के साथ साथ लेकर के चलें, आगे बढ़ाएं। उसके अलावा उनको सबसे पहले सिखाएं बड़ों की रेस्पेक्ट करना। उसकी शुरुआत सबसे पहले घर से होती है, घर के बाद में स्कूल से होती है। स्कूल में हमेशा वो अपने स्टूडेंट्स को बस एक ही चीज़ बोले कि आपके टीचर्स आपके लिए एक रोल मॉडल है, आप अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करें, उनकी चीज़ों को ओबे करें, क्योंकि आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए एक टीचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मैं आज देख रहा हूँ कहीं कहीं ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक खोती जा रही हैं, तो हमें सबसे पहले जो पहल करनी है ना, वो इस चीज़ पे करनी है। समाज को एक संदेश जो देना चाहता हूँ मैं, कि हम शुरुआत इस चीज़ से दोबारा करें। जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर्स आज भी हमारे लिए एक मतलब वो एक रोल मॉडल का काम करते हैं। हम उनको जब याद करते हैं ना और आज का एटमोसफेयर देखते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। तो मैं यूथ को बस यही कहना चाहूँगा कि वो इस सब चीज़ को लेकर के अपने आप को स्टार्ट करें। और वही जो मैंने अभी टाइटल कहा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, उस चीज़ को मन में सोच लें, तो शायद कोई भी दुनिया की चीज़ मुश्किल नहीं है। कोई भी चीज़ एक अपने मन में हम दृढ़ निश्चय कर लें, अपने मन में हम एक ड्रीम देखें कि हमें ये काम करना है, एक टारगेट हमें बनाना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है, तो शायद कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और ऊंचाइयां बहुत आसान हो जाती हैं अगर हम मेहनत कर सकते हैं। तो जैसे कि सर आप देख सकते हैं कि धनक मीडिया के थ्रू हम आपके आप सभी के पास तक आए हैं, तो इसका मोटिव ये है कि हम यूपी के कल्चर को आगे लेके जाना चाहते हैं थ्रू ब्रिजवुड। जैसे राजस्थान का अपना एक अलग कल्चर है, गुजरात का अपना एक अलग कल्चर है, इस तरीके से एक ब्रिज का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, जिसे हम आगे लेके जाना चाहते हैं। यूपी में बहुत सा ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो नहीं आगे आ पाते हैं, तो इस बारे में आप लोगों की क्या सोच है? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने हिंदुस्तान जैसी देवों की धरती पर जन्म लिया, और उस धरती पर भी ब्रज क्षेत्र में हमने जन्म लिया, हमारी परवरिश यहाँ हुई।
यहाँ हमारे अलीगढ़ के सराउंडिंग अगर हम देखें तो बहुत सारी कल्चर्स जो हैं डेवलप्ड हैं, चाहे वो ब्रज क्षेत्र की अपनी भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं या भगवान कृष्ण का जो भी स्वरूप हमारे मन में या हमारे शास्त्रों में हमने देखा है उसको हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। अगर हम राजस्थान में चले जाएँ तो राजस्थान की कल्चर अपनी एक अलग है, MP चले जाते हैं वहाँ की कल्चर अलग है, हमारे बराबर में हरियाणा है वहाँ की हरियाणा की अपनी डिफरेंट कल्चर है। तो हिंदुस्तान एक अनेकताओं में एकता वाला देश है और यहाँ बहुत सारे विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं और सारे जब एक साथ मिलकर के जब एक रहते हैं तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर, ये शायद और ये शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है ऐसा जैसा कि हमारे यहाँ है। मैं जितने भी जो आर्टिस्ट हैं मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं यहाँ अलीगढ़ में भी कल्चर क्लब्स वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ और जो भी आर्टिस्ट इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या अपने आप को आगे लाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं आगे बढ़ने में हेल्प कर पाऊँ, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प हो और चाहे किसी भी तरह की हेल्प हो, उन्हें मैं आगे बढ़ने में हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो आगे बढ़े, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारी कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे जिनकी वजह से हमारे देश का या हमारे प्रदेश का या हमारे शहर का नाम हो रहा है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, धनक मीडिया ने ये स्टेप लिया है आगे कल्चर को लेकर जाने का यूपी के, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? प्रगति बहुत अच्छा स्टेप उठाया है धनक मीडिया ने और इसके इसको आगे ले जाने के उसमें जो हेल्प हो रही है वो मैं भी पूरी तरह से करने के लिए तैयार हूँ और इससे हमारी कल्चर दबेगी नहीं, बराबर और लोग भी इसमें साथ जुड़ते चले जाएंगे। थैंक यू मैम। मैं आपसे हमारे लिए पूछना चाहूँगी, धनक मीडिया आप तक आया है और यूपीए कल्चर को आगे लेके जाने के लिए एक सपोर्ट जो है एक जो कहा जाता है तो वो कितना मिलेगा हमें कृष्णा इंटरनेशनल की तरफ से? सी कृष्णा इंटरनेशनल की तरफ से आई विल प्रॉमिस यू 100% सपोर्ट। थैंक यू सो मच। एंड आई विल जस्ट शेयर एन इंसिडेंट विद यू। आई वॉज वॉचिंग नेट जियो यस्टरडे। The show's name was The Baddest Trips. Usme the foreigners they share their experiences of a bad trip. One of them had come to Agra. She was from Australia. And she usne itni burai kari India ki, UP ki specially. Itni burai kari ki I don't think ki jo log us show ko dekhenge they will not return. So you know your production house is doing a great job in proving her wrong in all the ways. And I hope they do. And if we keep on pushing it forward in a good way, I think we'll be able to attract a lot of tourists and we'll be able to change and mold our image into a better one. Thank you so much sir, ma'am, aap sab se milke bahut maza aaya, naya experience hamari diary mein jud gaya. Jaate jaate aap sabhi ka main ek autograph lena chahungi. Autograph ke baad we'll leave. Thank you so much. Welcome. Thank you. तो दोस्तों ये थे हमारी फेमस पर्सनालिटी प्रवीण अग्रवाल जी और आई एम श्योर आप ये जर्नी देख के आपको बहुत मज़ा आया होगा। नेक्स्ट जर्नी एक और पर्सनालिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।